बाढ़-19 शिवपुरी कटघट क्षेत्र के लोग काफी समय से अपने बाढ़ में कीचड़ और सीवर लाइन के चलते जगह जगह गड्ढों से परेशान लोगों ने कई बार शिकायत नगर निगम से की, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई, जिस पर लोगों ने मीडिया के कैमरे के सामने बोलते हुए अपनी शिकायत रखी और बाढ़ में फैली गंदगी को दिखाया। इस बारे में क्षेत्रवासियों ने बताया कि कई बार क्षेत्रीय पार्षद से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई कार्य क्षेत्रीय पार्षद द्वारा नहीं कराया गया, जिस पर क्षेत्रवासियों ने पार्षद पर आरोप लगाते हुए बताया कि क्षेत्र की गंभीर समस्या होते हुए बार बार अवगत कराने के बाद भी पार्षद जन समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि नालियां कीचड़ आदि भरने से अवरुद्ध हो चुकी हैं, सड़कें नहीं बनने से जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिससे सीवर पाइपलाइन का पानी घरों में आ जाता है। बरसात में गलियों में पानी भर जाने से घर से बाहर निकलने के लिए घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती है। पार्षद की अनदेखी से क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त है। हाँ जी भैया, आपके नाम? मोहित अग्रवाल। जरा जोर से बोलिए। मोहित अग्रवाल। आप? दुर्वेश पाल सिंह। ये कौन सा वार्ड नंबर है? वार्ड नंबर 19। इक्कीस सर। 19 है, 21 पहले था, अब 19 है। आपके पार्षद कौन है? श्री मुकुल वंशल जी। यहाँ की समस्या है वो मुख्य रूप से क्या है? मुख्य रूप से साहब गलियों की समस्या है, नालियों की समस्या है, जल भराव की समस्या, पानी का सही ना आना, पानी में गंदगी आना, पानी इतना कीचड़ वाला आता है, बिल्कुल काला पानी, कम से कम 10 बाल्टी पानी फेंको तब पीने लायक स्थिति का पानी आता है, गलियों में घुटने घुटने पानी भर जाता है। मेरे अभी पिछले हफ्ते ही चोट लग के दिखी है, यहाँ एक पुलिया टूटी हुई है, उस पर स्कूटी फिसल गई मेरी, जिसमें घुटने में मेरे फ्रैक्चर हो गया। और पार्षद जी से कई बार इस बात पर ध्यान दिलाया है, पार्षद जी हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ से होके जाते हैं, लेकिन वो फिर भी उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब भी उनसे शिकायत करते हैं तो यही कहते हैं कि एक दो चार दिन में हो जाएगा। सीवर लाइन की भी समस्या है यहाँ पर, सारा बरसात का पानी घरों के अंदर भरता है, सब बर्तन तैरने लगते हैं पानी से। ये दिन है आंटी, ये गेट हो गई है। जोर से बोलो। आपने पार्षद जी से कहा कभी? पार्षद जी से कहा? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या करा देंगे, तो हो जाएगा, एक दो महीना रह जाएगी, इतनी बार कर महीना हो रहा है मुझे, अपनी सालों हो गए, महीनों की बात क्या है, इतने गड्ढे और कर दिया, टेंडर दे रहे हैं, जब अभी पैसा खत्म होगा उसके बाद ना बारिश की नाली फुट कर लेंगे, बारिश अब कुछ करना भी मुश्किल हो रहा है। गलियों में सीवर लाइन के जो पाइप लाइन डाली हुई है इन्होंने, उनमें पानी अंदर मर मर के अंदर से सड़कें खोख ली हो गई हैं, पता नहीं कब कौन सी सड़क बैठ जाए पैर रखते ही, कोई पता नहीं चलता, बहुत डर लगता है घर से बाहर निकलने में भी। पार्षद जी किसी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, हमारा पार्षद जी से अनुरोध है कि वो कृपया समस्याओं का समाधान कराएं और जल्दी से जल्दी कराएं।